क्या सीएम नीतीश को बीजेपी की सारी चाल मालूम है? क्या बीजेपी के अंदर की बात नीतीश कुमार जानते हैं? मोदी का प्लान वन नेशन वन इलेक्शन की जानकारी क्या सीएम नीतीश कुमार को पहले से है? ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर बिहार समेत पूरे देश की जनता के जेहन में उठते रहते हैं। नीतीश कुमार ने जो भविष्यवाणी की थी, ऐसा लगता है सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार उस दिशा में बढ़ सकती है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। और अगर ऐसा होता है तो इसके पूरे आसार हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार कई बार आगाह करते दिखे हैं। बुलाया जा रहा तेरे को मतलब समझ रहे हैं ना? लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी है चुनाव कराने के चक्कर में। आपकी मंशा में आप जो संकेत दिए थे वो तो लग रहा है कि वही तो बता ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना लौटे। मीडिया ने सवाल पूछा, सर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। सीएम ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो पहले से डाउट है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को घेरा। अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं, अभी चिंता मत करिए। उस समय जिस समय बुलाएंगे उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। आपको इतना ही बता दिए कि अब सोचिए ना कि जो चीज करना चाहिए था वो तो कर भी नहीं किए। अब जो कर रहे हैं क्या रहा प्रपोजल, आएगा प्रपोजल तो उसमें सरकार का इंटेंशन आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार का इंटेंशन क्या लगता है? नहीं नहीं, घबराहट में केंद्र सरकार का इंटेंशन यही है कि बहुत ज्यादा घबराहट। तो क्या नीतीश कुमार की भविष्यवाणी सही साबित होगी? आपको बता दें कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस ओर करवट लेती है और मोदी सरकार के सामने विपक्ष उसका मुकाबला कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।